हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए बहुत ही प्यारा डिजाइनर बॉर्डर वाला, डिजाइनर नेक वाला इतना प्यारा स्वेटर लेकर आई हूँ। डबल कलर स्वेटर है, बहुत अधिक सिंपल है क्योंकि इसमें नीचे का भी प्लेन बना है और ऊपर भी प्लेन बना है। रीग्लेन की घटाई हुई है और इसमें हमने बीच में केवल एक ही बेल डाली है जिससे इसका लुक बहुत अधिक प्यारा आ रहा है। ये डिजाइन फ्रंट और बैक देखो दोनों में सेम है। ये इसका बॉर्डर भी मैंने डबल कलर में डिजाइनर लुक में बनाया है। ये स्वेटर में 4 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। ये फ्रंट बैक सेम है तो इसमें मैंने यहाँ पर ये देखो बॉर्डर में मैंने इसमें ये देखिए बॉर्डर में मैंने यहाँ पर 75 फंदे डाले हैं और बॉर्डर के बाद यहाँ पर मैंने इनको 85 कर लिया है। ये देखिए मैं पूरा स्वेटर आपको तरीके से ये पूरा बनाना बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले हम डिजाइनर बॉर्डर तैयार करते हैं। ये बॉर्डर फ्रंट से ऐसा दिखाई देता है और बैक से ऐसा। ये देखिए ब्लैक कलर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए अब मैं इसको पिंक कलर में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने पिंक कलर में फंदे डाले हैं और फिर मैंने 2 सलाई उल्टी की हैं ताकि एक ही लाइन बन जाए, अदरवाइज हमारा ये बॉर्डर आगे की साइड ऐसे मुड़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें पहले 2 ये उल्टी सलाई की हैं। यहाँ मैंने ब्लैक कलर की 2 सलाई बनाई हुई है। अब हम इसमें ये बॉर्डर कैसे बनेगा वो दिखाती हूँ। ये देखो सबसे पहले मैं इसमें व्हाइट कलर लगा लेती हूँ और यहाँ पर हम 2 फंदे व्हाइट बनाएंगे, 1 2। अब हम इसमें 2 फंदे पिंक बनाएंगे, 1 और 1। सॉरी ये वाले फंदे हमें उल्टे बनाने हैं पिंक वाले। अब हम धागा आगे लाएंगे और ऐसे 1 और 1 2 उल्टे फंदे बनाएंगे। अब हम धागा पीछे ले जाएंगे और ये दोनों फंदे ऐसे बनाएंगे सीधे। व्हाइट वाले हमें सीधे बनाने हैं और पिंक वाले उल्टे। इसमें भी हमने व्हाइट कलर के सीधे बनाए हैं और ब्लैक कलर के उल्टे। फिर से हम व्हाइट फंदे बनाएंगे तो हम सीधा बनाएंगे 1 2 और पिंक फंदे हमें उल्टे बनाने हैं 1 2। फिर हम व्हाइट पर आ गए 1 2। अब हम पिंक पर आए तो पिंक हमारे सारे फंदे उल्टे रहेंगे और व्हाइट फंदे हमारे सीधे रहेंगे। लास्ट में 1 है तो ये हम ऐसे बनाते हैं। ये देखिए ऐसे। अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई है तो यहाँ पर उल्टी सिलाई में ये जो हमें उल्टे नजर आ रहे हैं ये उल्टे करेंगे। मीन्स जैसे हमने जो फंदे यहाँ सीधे किए थे अब वो फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। ये व्हाइट हमें उल्टा नजर आ रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा ऐसे करेंगे और पिंक फंदा इसमें हम सीधा नजर आ रहा है देखो ये सीधा बनाएंगे जैसे सिंपल बॉर्डर बनाते हैं ऐसे। धागा पीछे ले आएंगे और व्हाइट फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हम फिर पिंक फंदा धागा आगे ले जाते हैं और सीधे बनाते हैं, धागा आगे ले आते हैं। ये देखिए ऐसे ही ये हमारा पूरा बॉर्डर बनता जाएगा। ये देखो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा बॉर्डर बन जाएगा। अब हम सीधी सिलाई में आए हैं तो व्हाइट फंदे सीधे बुनेंगे और पिंक फंदे उल्टे बुनेंगे।
आप फिर से व्हाइट सीधे और पिंक फंदे उल्टे, फिर से व्हाइट सीधे और पिंक फंदे उल्टे। हमारा ऐसे ही ये पूरा बॉर्डर बनता जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला बॉर्डर बना लेंगे। 3 इंच बॉर्डर बनाने के बाद फिर हमने ब्लैक प्लेन बनाया है। ये देखो 4 साल के बच्चे का है, तो हमें या आप इसको, अगर आपको रिग्लेन कट में नहीं बनाना, सिंपल कट में भी आप इसको बना सकते हो। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 11 इंच का 10 इंच प्लेन बनाया है। इसमें हमने कोई डिजाइन नहीं डाला है। फिर हमें इसमें ये एक सिंपल बेल डालनी है। पहले ये वाला डिजाइन डालना है, ये जिसमें हमने 1 व्हाइट 3 ब्लैक 1 व्हाइट 3 ब्लैक ऐसे करके, बीच में हमें 4 सलाई सिंपल बनानी है ब्लैक प्लेन। उसके बाद हमें ये डिजाइन डालना है। डिजाइन बहुत सिंपल है। इतना पार्ट हमारा ये नीचे का ब्लैक है, तो हम इसमें व्हाइट कलर से डिजाइन डालेंगे। सेम यही डिजाइन इसके ऊपर हमें पूरा व्हाइट बनाना है, तो डिजाइन हमें ब्लैक से डालना है। मैंने ये ग्राफ आपके लिए तैयार किया है। ये देखिए ये ऐसे डिजाइन बनेगा। बहुत इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि पूरा डिजाइन बनाकर दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ये डिजाइन बना दिया है। यहाँ देखिए आप, एक फंदा यहाँ ब्लैक बनाइए, सॉरी व्हाइट बनाइए, 3 ब्लैक 1 व्हाइट 3 ब्लैक 1 व्हाइट 3 ब्लैक। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो ऑरेंज कलर है उसको ही जगह आपको ब्लैक यूज करना है, जो ऑरेंज कलर है उसकी जगह आपको व्हाइट कलर यूज करना है, और जो व्हाइट है उसकी जगह आपको ब्लैक कलर यूज करना है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये येलो कलर है इसकी जगह आपको ब्लैक यूज करना है, और जो व्हाइट है वो व्हाइट ही यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे ये वाला ग्राफ बड़ा इजीली तैयार कर सकते हैं। ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बहुत जल्दी ये वाला डिजाइन आपको तैयार हो जाएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर 1 और 1 2 सलाई सिंपल बताई हैं, लेकिन यहाँ आप 2 भी कर सकते हैं और 4 सलाई भी कर सकते हैं प्लेन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बड़ा इजीली तैयार कर सकते हैं इसको। ये देखिए ऐसे, और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे आधा डिजाइन, फिर सेम सिलाई ये यहाँ, जैसे ये हमारा ब्लैक बुन रहा है, तो यहाँ पर ये हमें पूरा व्हाइट उल्टा अपोजिट कलर कर देना है। फिर हमें अपना ये डिजाइन डाल लेना है। हमें अपना ये डिजाइन डालना है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हमारा डिजाइन आधा हो जाएगा, मीन्स हम यहां पर आ जाएंगे, यहां जब हम इधर आएंगे, तब हमें मुड्ढों की घटाई शुरू कर देनी है। यहां हमें रिग्लेन घटाई बनानी है, ये वाली, ये और ये। इसके बाद हमें अपना ये ऊपर वाला जो हाफ डिजाइन है, ये हमें मुड्ढे घटाने के बाद बनाना है। इसमें मुड्ढों की घटाई कैसे होगी, ये वाली, और गला कैसे बनेगा, गले की सिलाई कैसे होती है, ये देखो पीछे से ऐसे गले को हम स्टिच कैसे करेंगे और साइड से स्टिच कैसे करेंगे, ये सब मैंने इसके सेकंड पार्ट में बताया हुआ है। आप बहुत इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। स्लीव्स में ये देखिए, स्लीव्स में मैंने 40 फंदे डाले हैं, यही बॉर्डर बनाया है। 40 फंदे बनाने के बाद, बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पर 10 फंदे बढ़ाकर 50 फंदे किए हैं। फिर हमने यहाँ पर हर 5वीं सिलाई में 1-1 फंदा बढ़ाया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने निचाई से थोड़ी सी ज्यादा की है, ये देखिए ये, क्योंकि स्लीव्स थोड़ी लंबी अच्छी रहती है, तो हम यहां से अगर इसको मेजर करते हैं तो हमारी स्लीव्स इतनी बड़ी है।
बॉर्डर तो कम से कम हमारा एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। और यहाँ पर स्लीव्स में मैंने ऊपर 80 फंदे किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे 85 थे और यहाँ मैंने स्लीव्स में 80 फंदे किए हैं। और यहाँ ऊपर घटाते हुए फ्रंट में और बैक में मेरे पास 34 फंदे थे और स्लीव्स में मेरे पास 29 इसमें और 29 इस स्लीव्स में थे। फिर जब हमने ये गला बनाया, जब हम ये गला बना रहे थे तो गले के लिए हमें 100 फंदे चाहिए थे, बट हमारे पास 126 फंदे हो रहे थे तो हमने 26 फंदे यहाँ पर घटा लिए थे। ये गला हमने कैसे बनाया है, किस तरह से ये बनाए, ये सब आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप ये डिजाइन जरूर बनाइएगा। एक बार मैं आपको ग्राफ फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इस ग्राफ की हेल्प से बहुत जल्दी ये डिजाइन तैयार कर लेंगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको ये वाली बेल नहीं डालनी है तो आप कोई और बेल भी इसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ये डिजाइन बहुत इजी, बहुत सिंपल है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।